नमस्कार, लोककल्याण कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु लालमोहन। 75 वर्षरे आम स्वाधीनता गणतंत्र 7.5 दशंधिर विकास यात्रा ग्रामसभा पंचायत रु संसद लोकमत ही सबुठ उपरे पूरण हेउछि कि लोकंक आकांक्षा सरकार को माळमाळ योजना प्रति सप्ताह गोटे सरकारी योजना को नहीं आमे लोडिबु आपणक मत। सरकार फेल, पास, आवरेज ना एक्सलेंट आपण करिबे आकलन एहाकु नै आमर विशेष कार्यक्रम लोककल्याण। आज आम लोककल्याण देखिबा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ए देश रे केहि आउ बेकार रहिबे नाही, टंका रोजगार करी स्वाभिमान सहित मुंड टेकी समाज रे बंचिबे। देशर लक्ष लक्ष पाठ पढ़ी बेकार थिबा युवक युवती को रोजगारक्षम करिबा लक्ष्य नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरंभ करथिले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कामरे आसला योजना लक्ष लक्ष बेकार छात्र छात्री यहाद्वारा उपकृत हेले। पंजीकरण, प्रशिक्षण एवं रोजगार यह संभव हो पारा भारत। गोटे देश विकास पथरे सेतेबेले आगक आगक बढ़ जेतेबेले से देशर बेकार युवक युवती रोजगारक्षम हेबे। खाली रोजगारक्षम हेबे नाही, बरम सेमाने कुशल हेबार प्रशिक्षण नहीं रोजगारक्षम हेबे। देशर लक्ष लक्ष पाठ पढ़ी बेकार थिबा युवक युवती को रोजगारक्षम करिबा लक्ष्य नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आरंभ करथिले योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उद्देश्य थिला ए देशरे केही आउ बेकार रहिबे नाही, टंका रोजगार करी स्वाभिमान सहित मुंड टेकी समाज रे बंचिबे। सेमाने हसिबे, सेमानक परिवार हसिबो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किछि सेमति सुजोग सृष्टि करथिला एही देशर बेकार युवक युवती मानक पाई। कौशल्य सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास जो हर माँ बाप के मन में रहता है कि बेटा या बेटी कुछ काम सीखे, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। एक बार अपने संतान पैरों पर खड़े हो जाए तो गरीब परिवार के माँ बाप को लगता है चलिए जिंदगी धन्य हो। शत प्रतिशत काम कला एही योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन रे ए देशर बेकार युवक युवती मानंकु दिया गला प्रशिक्षण। ए योजना रे शामिल होई प्रशिक्षण पाइबा पई योग्यता हला बेकार होइतिबा स्कूल किबा कॉलेज ड्रॉप आउट होइतिबो, निजर बैंक अकाउंट थिबो, आधार कार्ड थिबो, भारतर नागरिक होइतिबो। जदि आपण ए योजना रे शामिल हेबाकु चाहुछंती तेबे नंबर रे फोन करंतु किंबा ए वेबसाइट जाई फॉर्म भरतो। आपणको अंचल रे थिबा सर्टिफाइड सेंटर खोजी बाहर करबा परे सेठरे जाई नाम पंजीकरण करंतो। तापरे आरंभ हेबो आपणको प्रशिक्षण। प्रशिक्षण सरिबा परे आपणको गोटी थरो पाई स्टाइपेंड आकार रे नगद राशि मिलिबो एवं पीएम के वी वाई ई रो सर्टिफिकेट पाइबे जहां आपणको चाकरी पाइबा समय रे सहायक होइबो। स्किल मिशन के द्वारा हमारी कोशिश है उन सपनों को पूरा करना और इसलिए एक स्ट्रक्चर वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में राज्यों को साथ लेकर के एक नए सिरे से इस काम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछली शताब्दी में दुनिया के अंदर हमने आईआईटी के माध्यम से विश्व में अपना नाम बनाया, दुनिया ने हमारे आईआईटी को एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के रूप में स्वीकार किया, हमें गर्व है इस बात का। लेकिन इस शताब्दी में हमारी आवश्यकता है आईटीआई की। अगर पिछली शताब्दी में आईआईटी ने दुनिया में नाम कमाया तो इस शताब्दी में हमारी छोटी 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 आईआईटी की इकाइयां
ये दुनिया में नाम कमाए, ये सपना लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। 2015 मसिया रे आरंभ होइतिला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0। 2016 मसिया रे 4 वर्ष पई आरंभ हैला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। टारगेट थिला 10 मिलियन युवापीढ़ी बा 1 कोटी युवापीढ़ी। टोटल बजेट 12,000 कोटी टंका। एप्रिल 1, 2020 सुधा 94.17% योग्य पिलांकु प्रशिक्षण दिया सरिछि। ए योजना रे फंडिंग केमिति हुए नजर पकांतु। प्रथमटी हैला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड एवं द्वितीयटी हैला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रली मैनेज्ड रे केंद्र सरकार 75% अर्थ देउथवा बेले राज्य सरकार देबे 25% एवं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड रे केंद्र सरकार 25% अर्थराशि देउथवा बेले राज्य सरकार देबे 75% अर्थराशि। एंटरप्रेन्योरशिप को बल देना। कभी कभी उद्योग जगत के लोग भी एंटरप्रेन्योर को रखने से डरते हैं। उनको लगता है यार रख लूंगा और सरकार का कोई साहब आ गया और सर गिनेगा, ज्यादा हो गए तो मर गया, मेरे कारखाने को ताला लग जाएगा, तो रखने को तैयार नहीं है। कानून की जकड़न भी कभी कभी ऐसी है कि हमारे नौजवानों को जगह नहीं मिलती है। हम चाहते हैं कि देश में रोजगारों का अवसर बढ़े। जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहता है उसको अवसर मिले, जो अप्रेंटिसशिप के लिए जाना चाहता है उसको अवसर मिले। जब तक उसको ये अवसर नहीं मिला का अनुभव आएगा नहीं। और इसलिए हमारी कोशिश है कि अप्रेंटिसशिप को कैसे बढ़ावा दें। इस पूरे मिशन को हमने स्किल तक सीमित नहीं रखा है, इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप को जोड़ा है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हर कोई बने तो बस कहीं कहीं नौकरी खोजता रहे, जरूरी नहीं है। एक ड्राइवर भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर गाड़ी लेकर के सब कॉन्ट्रैक्टर बनकर के गाड़ी चला सकता है। हम उसके अंदर ये स्किल लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से कभी कमर क्या होता है, जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको ड्राइविंग आता है लेकिन आप उसको कहते हो साहब मुझे कंप्यूटर का टाइपिंग भी आता है, तो तुरंत का अच्छा अच्छा ये भी आता है तो चलो चलो फिर जब ड्राइविंग का काम पूरा होगा तो कंप्यूटर करते रहना। तो जब उसको पता चल रहा एक्स्ट्रा क्वालिटी है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि स्किल में मल्टीपल एक्टिविटी की ताकत उसकी हो। एबे असंतुर नजर पकाइबा ओडिसा उपरे। लाभ पई कौशल विकास करबा को पड़िबो। आगामी दिन रे पूर्व भारतर स्किल हब होइबो ओडिसा। कोनोसी पिला दक्षता विकास रु वंचित हेबेनी। एसटीआई ओ एनसीडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मध्यरे एवं एनएसडीसी और राज्य सरकार को मध्यरे बुझामणा पत्र स्वाक्षरित कार्यक्रम रे या कहिथिले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केन्द्रमंत्री कहते वर्तमान युगर समय और आवश्यकता सह आगे पड़ो सम्मानजनक जीविका विकसित करने को पड़ो। हेले 90 दशक पर अर्थनैतिक ग्याप अधिक पड़ी एथिपाई कृषि आमको लाभ देउनी। लाभ पाई कौशल विकास करने को पड़ो। एथिपाई एसटीआई एवं एनएसडीसी मध्यरे होइतिबा बुझामणा पत्र बड़ परिवर्तन आणिब। विश्वरे स्किल क्यापिटाल हेबो भारत। भारतरे 15-25 वर्ष भितरे 25 कोटी पिला अछन्ते। ओडिसा रे ए संख्या 75 लाख। सेति मध्यरु छात्र छात्री अधा अछन्ते, अर्थात पाखापाखी 25-30 लाख पिला रोजगार क्षम होइ परिछन्ते। पहले मैन पावर आने ओडिसा आना पड़ता था लेकिन क्वालिटी मैन पावर आने ओडिसा आना पड़ेगा, ये हमारी अपेक्षा है। और हम सब मिलकर ये जो हमारी एक बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, हम उसको बनाए और आगे चल के जो सीपेट आईसीटी IIT, आइजर, उत्कल यूनिवर्सिटी, NIFT, ये सब जो संस्था है सबके वहाँ स्किल है। प्रकृति ओडिशा को व्यापक प्राकृतिक संपद देछि, तासह मानव संबल रहिछि। ए दुईटी सठिक ढंगरे विनियोग कले राज्य रे अर्थनैतिक प्रगति आसी पारिबो। आम राज्य को गल्फ देशगुडी को जाउथिबा कुशली कारीगरों को कौशल विकास तालीम सेमानों को रोजगार मिलबा सह सामाजिक सुरक्षा होई पारिबो।
एनएसडीसी पक्षरु यूएई साउदी अरब बाहरीन आदि देश में सरकार मिशि सेठाकर कंपानीगुड़ी भारत तालीमप्राप्त कर्मचारी पठावाक योजना कर एसडीआई भुवनेश्वर संप्रसारण आस पैंतीस एकर जगह राज्य सरकार को अनुरोध करते केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान विश्वस्तरीय ड्राइविंग ट्रेनिंग इनिट्यूट निर्माण करने प्रस्ताव देते पदक्षेप केवल जे विदेश में युवक युवती निजुक्ति सृष्टि कर नुहे यह विश्वस्तरीय मानव संबल सृष्टि कर सक्षम हो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर कैंपस रे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वर्ल्ड स्किल एकेडमी एवं नेशनल एकेडमी फॉर स्किल टीचर रो शुभारंभ होइछि। बाहर देश को पठेबा पई जो कंपनी तैयारी करा जायछि एनएसडीसी इंटरनेशनल जो कंपनी विदेश रो अन्य सरकार मान को संग रे यूएई हो साउदी अरब हो बाहरीन हो एपटे जो कंपनी देश गुड़िकर सरकार मानक संगे मिसिकी सेठिकार बिजनेस हाउस मानक संगे आम देशर ट्रेन मैन पावर को पठेबार जो कल्पना इठी करागला बहुत मैन पावर सेठी भी दरकार आगरु भी पिला जाऊथले किंतु एठी अधिका ठीक से सेठिकार आवश्यकता अनुसारे ट्रेंड है कि गले तांको रोजगार बढ़िबो तांकर सुरक्षा बढ़िबो। इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर एसडीआई भुवनेश्वर टू हैव members from overseas and my welcome my thanks to each one of you who are present here Bhubaneswar of course being the flagship one driven by skill india mission which was launched by honorable pm Narendra Modi ji these institutes were started at places like Guwahati which is in northeast Raebareli north Ahmedabad in the west Orissa Bhubaneswar in the east and we had Kochi and Vizag in the south so it covers all the places where all this supporting institutions supporting oil organizations are supporting this six skill development institute and now it's the time to fly I think this is what where we are trying to partner with NSDC they have shown us a dream and we know we are sure that we will be now we'll get the wings to fly and that's how today we are finalizing or we are signing these three MOUs to take SDI Bhubaneswar to the next level. कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता आत्मनिर्भरता भारतर आधार स्किल विश्व युवा कौशल दिवस रे युववर्गंकु मोदींको मंत्र कौशल विकास योजना रे 100 कोटी रु अधिक युवकंकु ट्रेनिंग दिया जाउछि। कौशल द्वारा निजे और देश को आत्मनिर्भर करबा को हेबो सारा विश्व पई स्किल और स्मार्ट लोकशक्तिर देश हेउछि भारत आउ आत्मनिर्भर भारत एहार बड़ आधार गत 6 वर्ष रे जेउ आधार तयारी होईछि जेउ नुवा संस्था होईछि समस्ते मिसि स्किल इंडिया मिशन को आहुरी गति देबा को आह्वान देथिले प्रधानमंत्री सब क्षेत्र रे स्किल सम्मान करबा उचित बोली कहिथिले प्रधानमंत्री। दुनिया सारा स्किल इंडिया रा आवश्यकता रही कोरोना समय रे स्किल को अति निकटरु देखा जाइछि जे कुशल हेबो से आगो को बढ़िबो सिबरे आदिवासी समाज को स्किल इंडिया जोडीथिबा कहिथिले प्रधानमंत्री। आजर समय रे स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग कथा कहिछंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से कहिछंती कोरोना काल रे ऑक्सीजन रा आवश्यकता ओ अन्य प्रसंग रे नुवा संभावना को मध्य जन्म देछि जहा उपरे काम करबा को स्किल इंडिया मिशन काम आरंभ करि सारिछि देशर युववर्ग पई नुवा आशार किरण स्किल इंडिया। विश्वकर्मा की पूजा यानी समाज जीवन में अलग-अलग रचनात्मक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्माओं का सम्मान स्किल का सम्मान लकड़ी के कारीगर मेटल्स का काम करने वाले सफाई कर्मी बगीचे की सुंदरता बढ़ाने वाले माली मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हाथ से कपड़ा बुनने वाले बुनकर साथी ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें हमारी परंपरा ने विशेष सम्मान दिया है। कोरोना महामारी की चपेट में विश्व है हमारी देश भी है उस समय में स्किलिंग रीस्किलिंग अपस्किलिंग की जरूरत और बढ़ जाती है जैसे अभी कोरोना के समय में अनेक अनुभव आया हेल्थ सेक्टर में बहुत नए काम की आवश्यकता हुई पहले इतनी मात्रा में देश में कभी ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं हुई थी
ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं लगी थी, अभी लगी। उसके लिए हमको स्किल मैन पावर की आवश्यकता लगी, स्किल इंडिया मिशन ने उस काम पे लग गया। एबे नजर पकांतु चित्र उपरे, जेतेबेले चुने बेकार युवक ए योजना रे प्रशिक्षण नै रोजगारक्षम हुए आ तार प्रथम रोजगारानी तार मां को दे, सेतेबेलर खुशी केवल अंगे निभाइथिबा व्यक्ति ही जानि पारे। खाली सेतिकि नुहे, जेउ माने ए योजना रे शामिल होइ नाहंती सेमानकु मध्य शामिल हेबा पई उत्साहित करे। सारा देश में यह योजना बेस सफलतार सहित आगे चलिए। ओडिशा रे मध्य प्रशिक्षण दि जा बेकार युवक युवती रोजगारक्षम करने रास्ता तैयारी होई छे। योजना को आगक बढ़ावा अधिक सफल करने जदि किछि दरकार इच्छा शक्ति, तेबे जाए योजना आहुरी सफलतार सहित आगक बढ़िपार। इच्छा शक्ति अभाव योजना जी आगे कथा से आगे पार। पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों की तादाद में वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और अगले दशक में हमारे पास 4-4.5 करोड़ के करीब लोग सरप्लस होंगे वर्कफोर्स हमारे पास। अगर हम ये मिसमैच को दूर करते हैं, हम आवश्यकता के अनुसार उसको तैयार करते हैं तो हमारे नौजवानों को रोजगार के लिए अवसर मिलेगा। और इसलिए आवश्यक है कि हमारी सारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को डायनेमिक बनाना। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, अगर हमारी ट्रेनिंग डायनेमिक नहीं होगी तो हमारा वो व्यक्ति रिलेवेंट नहीं रहेगा। पुराने जमाने के कुक को आज ओवन चलाना नहीं आता है तो घर में वो कुक काम नहीं करेगा, उसको आना चाहिए। ओवन का कैसे उपयोग सीखना पड़ता है, हर चीज को एडिशनल ट्रेनिंग आवश्यक होती है और इसलिए डायनेमिक्स बहुत आवश्यक है। उसके हम जिस ट्रेनिंग के ओर बल दे रहे हैं उसके दिशा में हमारा प्रयास है। पाठ पढ़ा अधर अटकवा किंबा स्कूल कॉलेज रु ड्रॉप आउट स्वावलंबी हेबा एमानको पई थिला कष्टकर व्यापार, किंतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आसीबा परे एहार लाभ उठाइले बेकार छात्र छात्री, प्रशिक्षण नेले विकास भी हला। योजना रे शामिल होई लाभ उठाइथवा एमिति किछि छात्र छात्री को आमे भेटिथिलु। एथिस योजना रे शामिल हेबारे समस्यार सम्मुखीन होइथिबा छात्र छात्री को मध्य सेमानको असुविधा विषय रे आमको कहिथिले। ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ना रे, ये गोटे देश रे गोटे महत्वाकांक्षी योजना जे कि 2015 मसीहारु ये कार्यकारी आरंभ करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तार ये जो योजनार शुभारंभ कर योजना मध्यम जो देश में आज बेरोजगारी युवक संख्या बढ़ुची, बेरोजगार विहीन होकरी या देश सारा इड़े सियाड़े रोजगार पर धाँच परिवार चलवाई ये मध्यम है गोटे युवक को निज रोजगार निज गोड़े निजे ढड़ा हे आ पाखे जा मुंड गिंजी कहार कर्मचारी हे ना निजे निजे जड़े मालिक हे ये प्रकार भावना देशवासी मैंने युवकों पाखे निजे युवक निजे मनोवृत्ति निजे तैयारी मुझे ही किपरि निजे गोड़े निजे ढड़ाई पारि ये 2015 मसीह ये योजनार कार्यकारी करवर प्रधानमंत्री को नरेन्द्र मोदी को मोर धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुच्चा। जो बेकार समस्या मान जो बेकार युवपीढ़ी जो एवं भारी पाठ पढ़ सारापर बेकार बुलूंज पाठ पढ़ सारापर किए दादन खर्च जाऊँ तो किए जा पका कम करते यहाँ स्वागत योग्य योजना जो ये आमको प्रशिक्षण दि जाऊँच कहीं निजे छात्र मत निजे प्रशिक्षण दिया कमी कंपानी जब कर कंपानी जब कराव कौटी कंपानी दिज्वे कौन ना मुझे जान नी खाली मुझे प्रशिक्षण नहींी आती मत कंपानी निजुक्ति मिलने भी मतलब सार्टिफिकेट गोटे मिलला मैंने मान्यवर नरेन्द्र मोदी पाखे मोर कृतज्ञता ज्ञापन करी यह योजना करवाई मोपाई नुह एट सारा भारत जितनी युवपीढ़ी अच्छे बेकार समस्या माना स्वागत पदक्षेप निहाई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक सुंदर योजना, भारत वर्षर समस्त जो बेरोजगार युवक मैंने अच्छा तेणु तुम कौशल विकास करके निजे केमती स्वरोजगार हो पारे चाकरी पचर न उगुड़ी स्व आत्मनिर्भरशील निजे केमी निजर प्रतिष्ठान गोटे या निजे केमी आत्मनिर्भरशील हवा सहित अग को निजुक्ति पारे ये हूँ गोटे बलिष्ठ उदाहरण भारत वर्षर आमर जो बेरोजगार युवक मानी आज बहुत युवक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे आत्मनिजुक्ति निजर परिवार प्रतिपोषण करने सहित आहरी किसी निजुक्ति सुजोग सृष्टि करते
तेणु ये प्रकार व्यवस्था जारी रहू आ समस्त युवक मैंने जो मैंने आत्मनिजुक्ति पछरे धाई जो मैंने विदेश को जाऊँगी बाहर राज्य को जाऊँ दादन खटापन नवेदन समस्ते प्रधानमंत्री कौशल विकास योजन निजक सामिल करूँ आ संपूर्ण मगणारे से शिक्षादान दि जाऊँगी मगणारे शिक्षादान करने सहित निजक आत्मनिजुक्ति सुजोग सृष्टि कर इंडिया वर्ल्ड गोटे मार्केट ये कौन हुए जिते भी आप इलेक्ट्रोनिक्स जिनस देखु मोबाइल टू नहीं गाड़ी पर्यटन आम सब बाहर देश को आम अपेक्षा करूँ से मैंने आमको देवे तो आम तार कस्टमर गोटे आम कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जोटा अच्छी सेटा बहुत यूथ मानक स्टूडेंट मानक टेक्निकल शिक्षा दि जा स्किल डेवलपमेंट पिला दक्षता युक्त करवाई अनेक प्रकार सहायता मध्य बारंबार से आसी जहाँकि आम अनुभव करुचु एवं देखा पाच केन्द्र सरकार देलापर मध्य राज्य सरकार ताकु मानने प्रपर भाग प्रपर भाव मानने यूटिलाइज कर पार ना कारण जदि यूटिलाइज कर पारते आप देखते 2016 रु बर्तमान पर्यंत बारंबार से केन्द्र सरकार ये योजना को आनी आ सरकार पैसा दूसरी किंतु सरकार पैसा दे सत्वे राज्य सरकार ता बिल्कुल यूटिलाइज करना जहाद्वारा आज बेकार युवक युवती लोक मैंने स्किल डेवलपमेंट पाई देखूँ तो आउ गोटे कथा कोरोना महामारी समय जिते बड़े दादन खटापी गोटे राज्य अगर राज्य को जो आम पे जाऊपर केन्द्र सरकार राज्य सरकार कि स्किल डेवलपमेंट ये जगह करूँ राज्य सरकार स्किल डेवलपमेंट कौन प्रकार बर्तमान पर्यंत करना बर्तमान पर्यंत भी झारसुगुड़ू कि राज्य अगर राज्य को लोक दादन खटापी जाऊँ झारसुगुड़े जिते गरीब जो बेकारी समस्या बढ़ी चली से बहुत परिमाण बढ़ी चली झारसुगुड़ बेकारी समस्या दिन दिन बढ़ी चलती कहीं स्किल योजना जो प्रधानमंत्री कौशल योजनाटा से कार्यकारी करना आओ कौन ना आमर ये झारसुगुड़ा होड़शार हो सब बाहर देश को लेकिन खटुँच दादन खटे जाऊँगी आमर ओडिशा सरकार कौन होना जहाँ आसद्र सरकार दौर प्रधानमंत्री कौशल योजना जो दे प्रधानमंत्री जो देखते ठीक से कम कर पार ना पैसा कोटि कोटि टाँचा आसूटा को आम ये यूटिलाइज कर पार ना ठीक से आओ कौन होना आमर जहाँ झारसुगुड़े हो कि अल ओडिशा हो सीटा से कार्यकारी हो पारना बेकारी समस्या दिनक दिन बढ़ी चलती आओ स्किल जो जो आम कौशल योजना जो प्रधानमंत्री योजना ठीक से कार्यकारी करना सरकार भारतवर्षर प्रधानमंत्री अच्छा श्रीयुक्त नरेन्द्र मोदी तर दूरदृष्टि को मानने आम सम्मान जनाऊँ दूरदृष्टि प्रति धन्यवाद देवा कथा से भारत को गोटे विशाल महाशक्ति रूपे गढ़ाक चाहूँ तो जदि भारत विशाल महाशक्ति रूपे गढ़ाक चाहते हैं भारत युवक मैंने दक्ष होगा कथा कुशली होगा कथा पाखे स्किल रहा कथा वर्तमान युग में बहुत मल्टीनेशनल कंपनी भारत को आसुँच से मैंने सब स्किल युवक खोजुँ स्किल युवक ही आवश्यकता रोचे आ गोटे कौशल युवक गोटे कंपानी हो कि गोटे इंडस्ट्री हो सी से उपयुक्त हिसाब से काम कर तो प्रधानमंत्री कौशल भारत योजना कौशल विकास योजना मध्यम प्रत्येक राज्यर जो श्रेणी गरीब श्रेणीर युवक मैंने अच्छा जो मैंने पाठशाठ बेसी पढ़ी मैंने निजर ना सक्षमता ना आर्थिक सक्षमता ना कि आग को बहुत पाठ पढ़ी पारे से युवक मानों पर कौशल भारत विकास योजना रे प्रत्येक राज्य को अर्थ मध्य प्रदान करुँचु से जिला स्तर में गोटे गोटे ट्रेनिंग इनस्टिट्यूट करता दि जाऊँच विभिन्न दक्षता जमी वेल्डर है फिटर है विभिन्न टाइप दक्षता से प्रदान करने व्यवस्था रही किंतु राज्य सरकार माने मध्य एई अर्थ को उपयुक्त परिमाण में खर्च करू नांदी पड़ोसी भी कौशल विकास लोकंकर जीविका पई सबुबेले सहायक हे थाए अनेक समय रे आमर लोक माने जो माने निजर जीविकार जन पई विभिन्न कार्य करूछंती से माने सब काम कला बेले विभिन्न कौशल से माने जानी नांदी बोली तांकर जीविकार जन रे बाधा आसुतला वर्तमान तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कार्यक्रम होई छि विभिन्न समय रे युवक युवती मानू विभिन्न वर्गर काम करुवा लोक मान को जो तालीम दि जाऊँगी तालीमटा से जीविकार्जन अनेक परिमाण में सोची विभिन्न काम करुवा लोक अधिक तालीम पाइबा द्वारा काम को बहुत भल भाव कर जहाँफल से जीवन में जो आर्थिक दुस्थितर सामना करेंटा अंत करूना बर्तमान एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा जो सब तालीम दि जाऊँगी विभिन्न समय बहुत कंपानी मैंने भी कर्मचारी भाव से भली लोक निजुक्ति दूसरी जो मैंने
এই তালিমে অংশগ্রহণ করছেন বা প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা দ্বারা যে তালিম প্রাপ্ত হয়েছেন লোকঙ্কর জীবিকার্জনরে যদি কিছু পরিমাণে অধিক উন্নতি আসিলা লোক অধিক অর্থ উপার্জন কলে নিশ্চিত ভাবে দেশের আর্থিক স্থিতি সুধুরিব এবং এটা লোকঙ্কর স্থিতি সুধুরিবা উপরে নির্ভর করে লোক সুধুরিলে দেশ সুধুরিব। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা গোটে অতি সুন্দর যোজনা, গোটে ফ্ল্যাগশিপ যোজনা সরকারঙ্কর, যদ্বারা কি লক্ষ লক্ষ যুবক এই যোজনা মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে, নিযুক্তি পাইপারুচ্ছন্তি। সেমানে তালিম নেলা পরে কৌশল বিকাশ যোজনার তালিম নেলা পরে সেমানে ক্যাম্পাস সিলেকশন মাধ্যমে নিযুক্তি পাই নিজর নিজে তো উপকৃত হচ্ছে এবং তাহাদ্বারা দেশের আর্থিক স্থিতির মধ্যে বহুত সুধার আসিছে। আর্থিক স্থিতি আজি আপনার দেখুথে ভারতবর্ষর আর্থিক স্থিতি কেউ জায়গায় পৌঁছিছে, ভারত যে বিকাশশীল দেশ ভিতরে লা এবং আজি আউ দুই পাদ আগুক পড়িছে, বিভিন্ন দেশক পছরে পকাই ভারতবর্ষ আজি সারা বিশ্বরে পঞ্চম স্থানরে অছি। এথিপাই প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা বহুত কামক আসিছে। সারা দেশরে এই যোজনা বেশ সফলতার সহিত আগেই চালিছে। ওড়িশারে মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়া যায় বেকার যুবক যুবতী মানুষ রোজগারক্ষম করিবা পাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। যোজনাকে আগকু বড়াইবা পাই অধিক সফল করিবা পাই যদি কিছু দরকার তা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি, তবে যাই যোজনা আহুরি সফলতার সহিত আগকু বড়ি পারিব। ওড়িশারে ইচ্ছা শক্তির অভাব পাই যোজনা যেতিকি আগেইবা কথা সেতিকি আগেই পারু নাই। পুনি আপনার সহ দেখা হব আগামী সপ্তাহে আউ এক সরকারি যোজনা নেই আমি আসিবু লোক কল্যাণ কার্যক্রমে। বিদায় দিয়ন্তু, নমস্কার।